पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के पुराने क्वेश्चन पेपर 2019-20 के बारे में। ये दोस्तों जूलॉजी एमएससी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर थर्ड हैं। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और क्वेश्चन पेपर सेकंड का भी वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसके पेपर फोर्थ का भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों अब छोटा सा इसका सिलेबस बता देते हैं क्या है वो। तो दोस्तों ये टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें दोस्तों आपका 16 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होता है। और इसमें दोस्तों ये टोटल चार सेक्शनों में डिवाइड रहते हैं। सेक्शन ए होता है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी होता है दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, और सेक्शन सी होते हैं दोस्तों आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद सेक्शन डी आते हैं, सेक्शन डी दोस्तों आपके वेरी नहीं मतलब कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दोस्तों आपके क्वेश्चनों को बार बार दोहराया जाता है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों सेक्शन डी के बारे में जो क्वेश्चन आता है उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो के अंतिम में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी सेक्शन ए बी सी और डी की मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए की सारी जानकारी देते हैं। तो सेक्शन ए में दोस्तों आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हम आपको इसमें ओनली क्वेश्चंस बताएंगे, इसका आंसर आपको खुद से ढूंढ निकालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हु गेव द वर्ड इंडो क्राइनोलॉजी इन 1907। तो इसका आंसर क्या आएगा ये आप देख लेंगे दोस्तों, आपको इसका आंसर ढूंढना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में दिया गया है दोस्तों विच हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर्ड है, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा ये भी आपको खुद से ढूंढना है। चलिए अब से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं हाउ मेनी एमिनो एसिड आर फाउंड इन ACTH, तो इसका आंसर क्या आएगा ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद फोर्थ में दिया गया है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल ब्रेन सेक्स, तो इस मेल ब्रेन सेक्स में कौन से हारमोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये भी आप देख लेंगे इसका आंसर। उसके बाद फिफ्थ में दिए गए हैं एंटी मुलेरियन हारमोन्स AMH सिंथेसिस एंड रिलीज फ्रॉम, तो इसका भी आंसर आप देख लेंगे। और इसमें सिक्स्थ में दिए गए हैं, देख सकते हैं फैट एंड ऑयल आर रिलीजिंग स्टिमुलाई ऑफ हारमोन्स, तो इसमें कौन क्या हारमोन्स आएगा ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों एट नंबर के भी क्वेश्चन जो दिया गया है उसे आप देख लीजिए, नाइन नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे भी आप देख सकते हैं, और टेन नंबर के भी क्वेश्चन आप देख लीजिए और खुद से इसका आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद दोस्तों इलेवंथ नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्वेल्व नंबर में जो क्वेश्चन दिया है उसे भी आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है वो। उसके बाद तेरह नंबर में दिए गए हैं ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका भी आंसर आपको गूगल से सारे का आंसर मिल जाता है दोस्तों, तो आप गूगल में ये सर्च कर सकते हैं और इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद चौदह नंबर में दिए हैं ये भी आप देख लीजिए और गूगल में सर्च कीजिए, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पंद्रहवें नंबर में दिए गए हैं ये भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सोलहवें नंबर का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया गया है उसे। सत्रहवें नंबर में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अट्ठारहवें और उन्नीसवें और बीस, तो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिसका आंसर आपको खुद से निकालना है। इसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन को, तो चलिए फटाफट से ये हैं दोस्तों सेक्शन बी के क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक में दोस्तों दो दो अंक डिवाइड रहते हैं, और सेक्शन ए में रहते हैं दोस्तों एक एक अंक, बीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और बीसों में एक एक नंबर डिवाइड रहते हैं, मतलब कि बीस अंक उसमें आपका कहीं नहीं जाएगा अगर सही आंसर देते हैं तो। उसके बाद सेक्शन बी जिसमें प्रत्येक में दो अंक डिवाइड रहते हैं, और इन क्वेश्चनों को तो वैसे दोहराया नहीं जाता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम इसे आपको पढ़ के बता देते हैं। जिसमें फर्स्ट दिया गया तो व्हाट इज एब्लेशन, एब्लेशन क्या है इसका आंसर देना है। गिव द नेम डिफरेंट टाइप ऑफ हारमोन्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हारमोन्स का नेम देना है। उसके बाद गिव द नेम ऑफ T3, T4, RT3 हारमोन्स, तो इसका नेम आपको देना है। उसके बाद दिया गया फोर्थ में ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इपिनेफ्रिन, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है। इसके बाद ड्रा अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये थी फिफ्थ क्वेश्चन जिसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिक्स्थ में दिया गया है
गिव द नेम ऑफ गैस्ट्रो ग्लोमेरुलर एपरेटस हारमोन्स। सेवेंथ में दिए गए हैं गिव द नेम ऑफ फोर हारमोन्स दिस आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। एट में दिया गया है गिव द नेम ऑफ फोर हारमोन्स दिस आर नेसेसरी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो इसके भी आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चनों को दोस्तों वैसे दोहरा दिया जाता है, इसके क्वेश्चन को तो थोड़ा ध्यान देंगे, वैसे ज़्यादा तो नहीं दोहराया जाता लेकिन दोहरा दिया जाता है सेक्शन सी के क्वेश्चन को। इसके बाद सेक्शन डी के क्वेश्चन को तो दोहराया ही जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेक्शन डी के क्वेश्चन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन को, जिसमें दोस्तों इसमें फर्स्ट दिए गए हैं क्लासीफाई पेप्टाइड हार्मोन, और सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं राइट अबाउट द केमिकल मैसेंजर। उसके बाद थर्ड में दिए गए हैं राइट अबाउट द कंपरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट एंड गिव द नेम ऑफ हार्मोन्स इट इट हार्मोन। तो ये थे थ्री क्वेश्चन सेक्शन सी के, जिसका आंसर आपको देना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फोर, जिसमें राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ थायराइड हार्मोन। फिफ्थ में दिया गया है गिव द से डायग्राम ऑफ थायरोक्सिन सिंथेसिस। इसके बाद दिया गया है राइट अबाउट रिलीजिंग स्मूली एंड गिव द सेक्शन नेम ऑफ रिलीजिंग स्टूमली दोस्त रिस्पॉन्सिबल ऑफ हारमोन्स रिलीज। इसके बाद सेवन्थ में दिए गए हैं राइट अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हारमोन्स एंड इट फंक्शन। तो ये थे दोस्तों सेक्शन सी के सात क्वेश्चन, प्रत्येक में तीन अंक डिवाइड रहते हैं। चलिए अब सेक्शन डी की ओर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये है दोस्तों सेक्शन डी, जिसके क्वेश्चन प्रत्येक में पाँच अंक डिवाइड रहते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आप देख सकते हैं और में दिया गया होता है, जिसमें से दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको ओनली एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं आपको। राइट एन एसे ऑन डिस्कवरी ऑफ हारमोन्स अप टू द बर्थ ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप देख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और में दिए गए हैं राइट अबाउट द कंपरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये थे दोस्तों इकाई वन से क्वेश्चन थे। अब इकाई टू में जो क्वेश्चन आया है चलिए वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों फर्स्ट दिए गए डिस्क्राइब बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसमें दिया गया है कार्टिकोसोल एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। और इसके और में दिए गए हैं राइट अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो इन दोनों में से भी एक का आंसर देना होता है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों बार बार दोहराया जा चुके हैं और दोहराएगा भी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसे दोहराया जाता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड इकाई से क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसे। तो दोस्तों थर्ड में दिया गया है डिस्क्राइब हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम एंड एक्सप्लेनेशन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो ये थे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, जिसमें और में दिए गए हैं राइट अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी एंड द थायराइड ग्लैंड। तो ये थे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पर देख लेते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन द, उसके बाद और में दिए गए हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन फास्टिंग। तो ये थे दोस्तों आपके सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यही सारी जानकारी हमें आपको इस वीडियो में देना था। तो इसी टाइप के आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपके एमएससी जूलॉजी के। तो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन पेपर के भी बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आते हैं एमएससी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर,
जिसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। और दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन पेपर पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इसके पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री इन सब का वीडियो तो वैसे बन गया है, पेपर वन पेपर टू का भी, उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।